रिपोर्टर्स टीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता के बाद अब एक और नगर सेवक पुलिस के विवादों में नजर आए। नालासोपारा पश्चिम में समीर डबरे नामक नगर सेवक जो कि बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक हैं, किसी से गाली गलौज व मारपीट के मामले में नालासोपारा पुलिस स्टेशन में इन पर मामला दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए क्राइम की एक खास रिपोर्ट। वसई विरार में सालों से एक तरफा राज करने वाली बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता के बाद अब एक और पूर्व नगर सेवक समीर डबरे एक व्यक्ति से गाली गलौच और मारपीट के मामले में चर्चा में आ चुके हैं। दरअसल मामला नालासोपारा पश्चिम स्थित लक्ष्मीबेन छेड़ा मार्ग के पास पंजाबी ढाबा है, जिसके मालिक करण अरोरा के साथ रात के 8:30 से 9 बजे के तकरीबन बविया के पूर्व नगर सेवक समीर डबरे पैसे के लेन देन के मामले को लेकर आते हैं और करण को गाली गलौज के साथ मारपीट करते हैं, जिस पर करण की शिकायत पर नालासोपारा पुलिस स्टेशन में कई धाराओं के तहत डबरे पर मामला दर्ज करती है। क्या है पूरा मामला, सुनिए करण की जुबानी। करण जी, अभी आपने नालासोपारा में बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक समीर डबरे के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया, ये क्या मामला है? ये सर मामला ऐसा है कि समीर डबरे कल मेरे रात होटल पे रात को यहाँ पे 8:30-9 के दरमियान आए थे और मुझसे आके एक जमीर शेख है जो एक टाइम पे हमारे यहाँ पे उनका कुछ हमारा पुराना व्यवहार था जो मैं काफ़ी सालों पहले क्लियर कर चुका हूँ। आके मुझे बोलते उसका पैसा कब देगा, पैसा दे। मतलब भाई वो तो आप कौन हो, उनसे मेरा हिसाब हो चुका, वो तो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, तू जानता नहीं मैं बहुजन विकास आघाड़ी का नगर सेवक हूँ। और मतलब मैं आप तो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक, तो क्या हो गया, आप पहले तो आराम से बात कीजिए कि तू तड़क करके बात किससे कर रहे हो और आप कौन होते हो, अगर उसका कुछ हिसाब है तो वो मुझे फ़ोन करे। तो जैसे ही मैं ये बात बोला उनको तो मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, गाल पे मारा, छाती पे मारा। उसके बाद बोलते तुझे पता नहीं मैं सोपारा गांव का हूँ, हम सोपारा गांव वाले क्या करेंगे, तेरा पूरा होटल तोड़ फोड़ के रख देंगे, तू जानता नहीं किसके पंगा ले रहा है। तो अकेले थे कि और भी कोई लोग साथ? उनके साथ दो जन और भी थे लेकिन वो लोग साइड पे खड़े थे, फिलहाल वो आगे नहीं आए। मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया? हाँ, फिलहाल पुलिस ने एंट्री ली है 323, 504, 506 के तहत एंट्री ली है और मुझे आश्वासन दिया गया है PI लब्धे साहब से कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसको नोटिस देंगे 107 का और ACP ऑफिस हाजिर करेंगे। बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर से आप कुछ अनुरोध करना चाहोगे? मैं हितेंद्र ठाकुर जी से और क्षितिज दादा से एक ही अनुरोध करूंगा कि हम भी आपके वोटर हैं, हम भी यहाँ से 25-30 साल से रह रहे हैं और मैं खुद कांग्रेस पार्टी से कई पदों पे हूँ, हमारी पार्टी हर इलेक्शन में आपको सपोर्ट करती है। अगर ऐसे ही आपके नगर से आके धमकियाँ देंगे लोगों को तो आपकी पार्टी का नाम खराब होगा आने वाले टाइम में, ये चीज़ गलत है जिसका आपको चुनावी नतीजों में परिणाम दिख सकता है। आप पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते से क्या अनुरोध करना चाहोगे हमारे चैनल को? मैं कमिश्नर साहब से अनुरोध करूँगा कि मुझे इसमें न्याय मिले और जो भी हो सके, मुझे प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है, कठोर से कठोर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आप सब ठीक है, आप एक अधिकारी पदाधिकारी हो, ठीक है आप नगर सेवक हो, तो पहली बात तो आपको किसी ने राइट्स नहीं दिया है और अगर आप अधिकार दिया नहीं कर भी रहे हो तो आपको अपने ऑफिस में बुला के तमीज़ से किसी से बात करना चाहिए कि भाई आपका किससे क्या है क्या नहीं है। आप किसी के दरवाजे पे जाके बिना जाने पहचाने पूछे डायरेक्ट दादागिरी करोगे, हाथ उठाओगे तो किसने अधिकार दिया आपको? और आपका ये अल्फाज समझ नहीं आया कि हम सोपारा गांव वाले हैं, मतलब आप सोपारा गांव वाले तो हम यहाँ से मतलब बोरिया बिस्तर उठा के निकल जाएं, आप लोग का पूरा मतलब दादागिरी है यहाँ पे, इसका मतलब अगर मेरे साथ मेरे परिवार या मेरे होटल या कुछ भी नुकसान वगैरह होता है या कुछ भी मेरे साथ दुर्घटना घटती है उसका जिम्मेदार समीर डबरे होगा। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।